Very good afternoon, friends. I am Sanchita Bhattacharya. Welcome you to a very interesting topic that is Impressionism, the artistic movement. Subject is painting. So, without wasting the time, we are let's start our program. Now we will discuss about the still life with onion. This is a very good painting. Artist Paul a medium. अपना अपना मर्जी है किसी तरह से उन्होंने ओनियन उन्होंने इसमें लगाया तो उन्होंने बताया नाम दिया है इसका स्टिल लाइफ विथ ओनियन नेक्स्ट पेंटिंग है पॉल सेजा का स्टिल लाइफ विथ जिंजर पॉट सुगर जार एंड एपल्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ पेंटिंग पॉल सेजा पोस्ट इंप्रेशनिस्ट थे जिसने अभिव्यक्ति के नए साधनों को खोज की उनकी पेंटिंग प्राकृतिक रूपों का सरलीकरण दिखाती है उनकी अनुसार प्रकृति में सब कुछ सॉलिड जामितियो जैसे कोन सिलेंडर एंड क्यूब में घटाया जा सकता है वह मान्यता प्राप्त वास्तविक रूपों का संरचनात्मक छापों में बदल देता है इस प्रकार उन्हें आमूर्त पेंटिंग शुरू करने के लिए कहा गया जिसने बाद में क्यूबिज्म को जन्म दिया है उन्हें क्यूबिज्म के जनक के रूप में जाना जाता है चाहे वो उनका स्थिर जीवन हो परिदृश्य चित्र या परिचित विनम्र लोक उनके सभी चित्र चयनित विषय का गहन अध्ययन करते हैं उनकी पेंटिंग स्टिल लाइफ विथ ओनियन में उन्होंने एक ही रंग के अलग अलग स्वरूप में एक वस्तु के प्रकाश और छाया का व्याख्या करके रूपों का प्रतिपादन किया उन्होंने रंग संबंधों को चित्रित करने के लिए प्लेन कलर स्ट्रोक का इस्तेमाल किया उनकी रचना अंतरिक्ष में त्रिआयामी रूपों की एक दिलचस्प व्यवसाय के साथ क्षेत्रिज विराम दिखाती है लाल और पीले रंग के उपयोग से प्रकाश के कंपन को पुनः उत्पन्न किया जाता है जबकि पर्याप्त मात्रा में नीले और सफ़ेद रंग के पर्दे हवा और अंतरिक्ष की भावना को जोड़ते हैं पॉल सेंजा को हमेशा आधुनिक चित्रकला का जनक माना जाएगा क्योंकि उनकी शैली 19वीं सदी के अंत में प्रभाव बाद और 20वीं सदी के शुरुआत के आधुनिक बाद या क्यूबिज्म के बीच सेतु का निर्माण करती है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टारी नाइट दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल पेंटिंग आर्टिस्ट विंसेंट बैंगॉक मीडियम ऑयल कैनवस पीरियड एटीन एटी नाइन स्टाइल पोस्ट इंप्रेशनिजम कलेक्शन नेशनल गैलरी लंडन सी दिस इज अ पेंटिंग स्टारी नाइट वेंगॉक का पेंटिंग है वेंगॉक का पेंटिंग में एक विशिष्ट या एक फीचर्स हमें बहुत कॉमन मिलता है जो है सर्कल सर्कल करके उन्होंने हमेशा कलर को यूज़ किया है ये है वेंगॉक का सेल्फ पोर्ट्रेट ये एक वन ऑफ द फेमस पेंटिंग है वेंगॉक का पोर्ट्रेट है लेटस्ट नो अबाउट द जनरल डिस्क्रिप्शन विंसेंट वेंगॉक वॉज अ डच पेंटर दो हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ मिस्ट्रीज पॉवर्टी एंड डिस्कारेजमेंट ही वॉज अ डेडिकेटेड पेंटर इन ऑल ऑफ वेंगॉक्स पेंटिंग कलर कैर ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म्स He tends to depict natural sense in terms of color, not light and shade. In his painting, Starry Night, there is a night sky filled with stars. His painting shows well balanced composition with harmony of colors. The painting is composed with various elements like shrilling cloud, glowing stars, and a bright moon in the background below the hills lies a small town with a crunch and small buildings to the left of the painting there is a massive dark structure depicting top of an isolated cypress trees the stars in the night sky are surrounded with their own orbit of light this representation of the sky keeps the viewers' eyes moving about the painting Western art following the curves. His starry night seems to be a whirlpool galaxy with bold poor slabs of blue and white oil colours. His study of night sky led to convey his own inner conflicts and sleepless nights. अभिव्यक्ति की सादगी और तीक्षणता को चित्रित करने के लिए बैंगॉक की एक मूल दृष्टि थी उनकी अन्य प्रसिद्ध पेंटिंग जिन्होंने उन्हें प्रसिद्ध उत्कृष्ट चित्रकारों में से एक बना दिया वे है सूरजमुखी आलू खाने वाला गेहूं का खेत और सोरू उनका अपना सेल्फ पोर्ट्रेट और उनका अपना बेडरूम भी इसमें शामिल है सो so, हम जानते हैं प्रभाववाद की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है ये जो हमने इम्प्रेशनिज्म के बारे में हमने पढ़ा है इसका विशेषता क्या है इसका हम विशेषता क्या है ये जो प्रभाववाद मतलब इम्प्रेशनिज्म सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रभाववाद ये इम्प्रेशनिज्म स्टाइल है स्टाइल में ये पेंटिंग बनाया गया है कैसे पता लगेगा तो चलो हम जानते हैं प्रभाववाद शैली के लक्षणों में छोटे दृश्यमान ब्रश स्ट्रोक शामिल है जो रूप रंग मिश्रित और प्राकृतिक प्रकाश के सटीक चित्रण पर जोर देने का प्रभाव प्रदान करते हैं जिन तत्वों को अक्षर प्रभाववादी कहा जाता है उनमें स्थिर सामंजस्य वाद्य समय पर रंगों का एक झिलमिलाता अंत क्रिया बनता है ऐसी धुने जिसमें निर्देशित गति की कमी होती है सतह अलंकरण जो माधुर्य के लिए अस्पष्ट या विकल्प होता है और पारंपरिक संगीत रूप से बचाव होता है वॉट यू हैव लर्नड तो आपने क्या सीखा ये जो पूरा आपने लेसन देखा है आपने आपने क्या सीखा है चलो हम जानते हैं क्या आपने सीखा है इम्प्रेशनिज्म सिम्बलाइज एन आर्टिस्टिक मूवमेंट विच ट्रेंड्स to produce an effect to mark impression of a feeling or imagination the artist of impressionism came out of the studio to paint in the open air working quickly to create an impression of what they say तो so इसे प्रभाववाद क्यों कहता क्या जाता है हम जो ये तो ये सारे चीजें पढ़े हैं इम्प्रेशनिज्म के बारे में पढ़े हैं हमें क्यों कहेंगे इसको प्रभाववाद क्यों कहेंगे इसको इम्प्रेशनिज्म क्यों कहेंगे क्योंकि प्रभाववादी कलाकार वास्तविक जीवन के प्रतिबिंब को चित्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि व्यक्ति प्रकाश वातावरण वस्तु या परिदृश्य की एक छाप को चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कर रहे थे और इसीलिए उन्हें प्रभाववाद कहा जाता था तो ये हम कह सकते हैं कि प्रभाववाद इम्प्रेशन इम्प्रेशनिज्म या इम्प्रेशनिस्ट का क्या मेन मेन उनका क्या वो रहता है कि वो स्टूडियो में बैठ के नहीं करते वो स्टूडियो से बाहर निकल के न, 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 कोई भी चित, चित्र को देख के फिर उसको अपने हिसाब से वो बनाते थे क्योंकि ये एक आंदोलन है ये एक मूवमेंट है आंदोलन का मतलब क्या है कुछ भी चीज़ को हम एज इट इज़ ले लेना उसको आंदोलन नहीं कहते कि आंदोलन का मतलब है नहीं हम नहीं मानेंगे नहीं हम नहीं देखेंगे इसको हम उसको डिफ़रेंट वे में डिफ़रेंट तरह से हम उसको चल दिखाएंगे सजाएंगे डिफरेंट तरीके से हम उसको बनाएंगे जैसे पेंटिंग बनाने के लिए हम क्या कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए और बैलेंस का मतलब ये पेंटिंग सारे पेंटिंग में बैलेंस है लेकिन इसमें है कि मेन केंद्र बिंदु से हम स्टार्ट करते हैं जो मेन जब कॉपी पे जो मेन जगह होती है वो जगह से हम पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं या हम कहीं से भी स्टार्ट करते बीच वाले जगह को हम नहीं छोड़ते क्योंकि वो हमारी एक पैटर्न है हम इस तरह से हम बनाते हैं लेकिन इम्प्रेशनिस्टों ने इन्होंने ये चीज़ को नहीं माना इम्प्रेशनिज्म में ये देखा गया है कि जो कॉपी में जैसे बीच में कोई भी जगह है वो जगह छोड़ दिया है अब सारे पेंटिंग हम आपको दिखाए थे उसमें आपको पता लग जाएगा कि बीच में जो जगह है उन्होंने नॉर्मली वो कुछ कुछ जगह पे छोड़ा है या बीच को जगह को हल्का छोड़ दिया है वो गलत का गलत वाला जो पेंटिंग है आपने देखा होगा जो बीच वाले जगह है वहाँ पर थोड़ा सा हल्का कर दिया साइड से पूरा भर दिया है और इन्होंने जो करते हैं कोई कोई इम्प्रेशनिज़्म uh, आर्टिस्ट uh, जो इम्प्रेशनिज़म स्टाइल को जो फॉलो किया है जिस आर्टिस्ट ने उन्होंने क्या क्या किया है जैसे उन्होंने uh, अपना स्टूडियो से निकल के बाहर बनाते हैं पिक्चर बाहर बैठ के कुछ भी चित्र बनाते हैं नेचर के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है नेचर को किस तरह से बनाते हैं नेचर को भी तोड़ मचोड़ के बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिफरेंट डिफरेंट रंगों से उसको भरते हैं और सिर्फ वही नहीं वो नॉर्मल जो पैटर्न है नॉर्मल जो स्टाइल है वो स्टाइल से वो थोड़ा सा हट के करते हैं और इसको किस किस तरह से करते हैं हम पेंटिंग बनाने से हम चारों तरफ जैसे बनाते हैं बीच को जगह छोड़ के तो हमें थोड़ी देर पहले बताया चारों तरफ हम बनाते उन्होंने क्या करते हैं जो पेंटिंग बनाते हैं स्टार्टिंग तो वो कहीं से भी स्टार्ट कर सक करते हैं लेकिन उनका ये उद्देश्य रहता है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को बहुत सुंदर तरीके से मिला देना जैसे एक फ्लॉलेस लगती है ये जो मूवमेंट है बहुत सुंदर एक पेंटिंग की जगत में अच्छा मूवमेंट उन्होंने किया था और ये मूवमेंट सच में आज भी हम इसको फॉलो करते हैं आज भी हम इसको अपनाने की कोशिश करते हैं तो इससे आपको पता बिल्कुल लगता है कि कला आंदोलन कितना इम्पोर्टेंट आंदोलन था जिस समय पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट वस्तुओं को जो इन्होंने बनाए हैं हम जब भी कोई पेंटिंग बनाते घर को देखते तो हम देखते कि एक पूरी अच्छी तरह से हर चीज़ सजा हुआ रहता है और सजा हुआ जब रहता है तो उसके ऊपर हम पेंटिंग बनाने की हम कोशिश करते वहीं पे बैठ जाते हम उसको अच्छी तरह से सजाने की कोशिश करते लेकिन यहाँ पे जो आप कला आंदोलन जिन्होंने जिन लोगों ने किया है जिन लोगों ने ये इम्प्रेशनिज़म स्टाइल को अपनाए हैं उन्होंने बिल्कुल कोई भी फॉर्मेट या कोई भी पद्धति को एज़ इट इज़ नहीं अपनाया है उन्होंने अपनी भावनाओं को उसमें डाला है अपनी सोच को ये भावनाओं का एक आंदोलन है एक मूवमेंट का मतलब क्या है कला मूवमेंट का मतलब क्या है उन्होंने अपने भावनाओं को बिल्कुल चेंज किया है और उसके साथ बिल्कुल अपने आप को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया है जिसकी वजह से हर पेंटिंग बहुत सुंदर है आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार